नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस चैनल में। दोस्तों मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं टेक आकाश यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि जियो का नया स्मार्टफोन जियो फ्लेक्स स्मार्टफोन मार्केट में आने वाला है। तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने उस स्मार्टफोन के बारे में कुछ डिटेल वगैरह बताया था। तो दोस्तों अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि इस फोन में आपको क्या सिस्टम मिलेगा, कितने जीबी का रैम मिलेगा, कितना स्टोरेज मिलेगा। मैं आपको पूरी जानकारी पूरी डिटेल इस वीडियो में देने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आप लोग सब कुछ जान पाएंगे, समझ पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं उसकी अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों ज्यादा देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को अभी बताया, जियो अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। जो दोस्तों आप लोग जियो वन जियो टू जो फीचर्स फोन आता था उसको आप लोग यूज करते थे, तो दोस्तों आपको उसी प्राइस में जियो फोन थ्री यानी जियो फ्लेक्स फोन भी आपको उसी दाम में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताया था यूएस की एक कंपनी है जिसका नाम है फ्लेक्स। दोस्तों ये कंपनी क्या करती है, दोस्तों ये कंपनी स्मार्टफोन बनाती है। तो दोस्तों इस कंपनी को जियो ने अपना ऑर्डर दे दिया है, 10 करोड़ मोबाइलों को बनाया जाएगा जियो फ्लेक्स का, जो आपको इंडिया में मार्च 2019 में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। दोस्तों ये कन्फर्म डेट आ चुकी है, दोस्तों इसका मैंने पढ़ा था, तो दोस्तों इसका कन्फर्म डेट आ चुका है, मार्च 2019 में इस फोन को लॉन्च कर दिया जाएगा इंडिया में। तो दोस्तों बात कर लेते हैं जियो फोन थ्री यानी जियो फ्लेक्स फोन में आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है। तो दोस्तों इस फोन में आपको 5 इंच का HD डिस्प्ले मिल जाएगा जिससे आप फुल व्यू कर सकते हैं, और दोस्तों SD कार्ड लगाने के लिए आपको अलग से स्लॉट मिल जाएगा, और दोस्तों इसमें 2 सिम कार्ड आप लगा सकते हैं, दोस्तों एक जियो कंपनी का एक अदर कंपनी का भी लगा सकते हैं। और दोस्तों बात कर लेते हैं इसके रैम कितना मिलेगा, तो दोस्तों इसमें आपको 2 GB तक रैम मिल जाएगा और 8 GB तक इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके साथ साथ दोस्तों आपको प्रोसेसर कितना मिलेगा इसका भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका प्रोसेसर भी सब कुछ बता देंगे। और तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसके कैमरे के बारे में, जो दोस्तों सभी लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो दोस्तों इस जियो फोन 3 यानी फ्लेक्स फोन में आपको फ्रंट कैमरे में 5 MP का फ्रंट कैमरा मिल जाएगा और दोस्तों 8 MP का रियर कैमरा मिल जाएगा, और दोस्तों इसके साथ साथ दोस्तों दोनों तरफ आपको लाइट यानी फ्लैश लाइट भी प्रोवाइड कर दी जाएंगे। दोस्तों तो दोस्तों इसका वर्जन ओरियो 81 होने वाला है। तो दोस्तों इतना सभी फीचर्स आपको जियो फोन 3 यानी जियो फ्लेक्स फोन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दोस्तों अगर इतना सभी फीचर के साथ अगर आप दूसरा फोन खरीदने जाएंगे मार्केट में तो दोस्तों कम से कम आपका 10,000 रुपये लग सकता है ये सभी फीचर के साथ फोन खरीदने में, लेकिन दोस्तों आपको जियो कंपनी बस 1500 रुपये में फोन प्रोवाइड कर देगी जियो फोन 3। दोस्तों मार्च के महीने यार 2019 में मार्च के महीने में इस फोन को इंडिया में लॉन्च कर दिया जाएगा। दोस्तों ये पक्का है कि मार्च के महीने में 2019 में इस फोन को इंडिया में लॉन्च कर दिया जाएगा, उसके बाद आप इसका लुत्फ उठा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ आप लोगों को यही बताना था। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।